हर एक इंसान का अपना स्ट्रगल होता है लाइफ में। मैं फैसल अली बांडीपोरा से, डिस्ट्रिक्ट जो कश्मीर में है, एक ऐसे फार फ्लंग एरिया से हूँ। थोड़ा बहुत मैं इस पे बोलना चाहूँगा। मैं उस एरिया में रहता हूँ, अगर हमारा कोई बीमार हो जाता है या हमारी माँ बहन की लेबर पेन हो, जो हमारा हॉस्टल तक रास्ता जाता है, या तो वो बहन मर जाती है या बच्चा मर जाता है, ऐसा रास्ता है हमारे पास। इतने दूर हैं हम अपने देश से, जो रियलिटी फेस करना चाहेगा वो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र मैंने खींचा है इस पर। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, 2003 में मैंने एक इनिशिएटिव लिया अपने उस फार फ्लंग एरिया में जहाँ पर मैं रहता हूँ। दो तीन बच्चों को इकट्ठा किया, बोला कि चलो एक मार्शल आर्ट्स, एक ऐसी गेम, एक स्पोर्ट्स है। बट सब लोगों को अजीब लगा कि ये कुछ बंदर कुछ ऐसी अजीब हरकतें कर रहा है, ये क्या है। क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में ज़्यादा पहले किस स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेट करते थे, क्रिकेट हो, सब पॉपुलर गेम है। बट ये पता नहीं था कि ये एक ऐसी गेम है जिससे पूरा दुनिया खेलता है, वर्ल्ड ओलंपिक्स तक मार्शल आर्ट्स, कराटे जैसे, ताइक्वांडो, वुशू। अपने साथ मैं चाहता था कि और बच्चे खेलें, मैं भी उनके साथ खेलूं। और क्योंकि देखता था न्यूज़ में ओलंपिक्स का, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, क्या इसका लेवल है, इसका स्टैंडर्ड क्या है। कोशिश की बहुत। अजीब चीज़ ये लगा कि जहाँ पर मैं रहता था मुझे अपने लोग ही ओन नहीं करते थे, क्योंकि जब मैं खेलता था तो लोग बोल रहे थे ये क्या है, मेरे साथ कोई खेलता नहीं था। मुझे खेलने के लिए जब नेशनल्स के लिए आना पड़ता था, और जब मैं यहाँ पर आता था किसी और स्टेट में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, तो डाइनिंग टेबल पे मेरे साथ कोई रूम भी शेयर नहीं करता था, क्योंकि मैं कश्मीरी था। डर जाते थे मेरे बैचमेट्स कि क्या पता ये शायद टेररिस्ट मत होगा बाद में। वहाँ मैं ये सोच के निकलता था कि मैं मेडल लाऊं अपने स्टेट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने इलाके के लिए, और इंट्रोड्यूस करूं स्पोर्ट्स को जो हमारे इंडिया लेवल पे एक स्पोर्ट्स है। और मेरा अपना जो मेरी अपनी कम्युनिटी, मेरे लोग थे, पहले तो मुझे वो नहीं ओन कर रहे थे। और जब मैं मेडल लेके वापस आता था तो लोग किस तरीके से मुझे वेलकम करते थे, ताने देकर, एक इंडियन है। तो बहुत कोशिश की मैंने इस स्पोर्ट्स को, इस चीज़ को, एक्सपोजर को, जो मेरा यूथ था वहाँ का, जो मेरे बच्चे थे मेरे साथ, 10-15 बच्चे पहले जुड़े 2005 में, कोशिश की और इनको आगे ले जाऊँ। आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चलता गया, मैंने क्लब्स बनाए, पॉलिटिक्स मुझ में इन्वॉल्व हो गई, लोग मेरे पीछे इस तरह पड़े, वो नहीं चाहते थे कि पीस रहे, अमन रहे, मेरे पीछे पड़े, किसी भी तरीके से इसका क्लब डिस्ट्रॉय हो, ये पीछे हटे। बट मेहनत की, जहाँ पर लड़कों को ट्रैक सूट लगाने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, मैंने गर्ल्स को वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, आज वहाँ पर 1500 से ज़्यादा लड़कियाँ प्रैक्टिस करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है सोच, जो वहाँ के लोगों की सोच थी, जो पहले ही नेगेटिव सोचते थे हर एक बात पे। पॉलिटिक्स का अलग मसला था, लोग कश्मीरी एक अलग मुद्दा था वहाँ का, एक मुद्दा सब लोगों को पता होगा, बट मैं तो वो डिस्कस ही नहीं कभी कर रहा था, न मुझे उस लेवल का कभी कुछ चाहिए ही था। मेरा मकसद था कि अपने जो मेरे रहने वाले मेरे लोग हैं मेरे साथ, मेरे भाई बहन, मेरे स्टूडेंट्स, इनको उस लेवल का एक्सपोजर दूँ, ताकि हमारी ये सोसाइटी, हमारा ये डिस्ट्रिक्ट, हमारा ये स्टेट उठे। जब बच्चे इंटरेक्ट हो बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, तो एक एक्सपोजर उनको मिलेगा, वो वहाँ से वापस आके एक अच्छे काम के तरफ ध्यान दे। नहीं चाहते थे लोग, क्योंकि मेरे साथ बहुत कम लोग जुड़े थे। आहिस्ता 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 आहिस्ता
मेहनत की। तो 2016 में मैंने अपने देश को एक ऐसा तारा दे दिया जो पहली बार देश में हुआ। वर्ल्ड चैम्पियन मैंने इंडिया को दे दिया। मेरी स्टूडेंट तजम्मुल इस्लाम, जो 8 साल की बच्ची है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि 8 साल की बच्ची ने इटली में जाके यूएसए को हरा के आ गए हम वापस। और जिस बच्ची के पास किकिंग पैड तक नहीं होते हैं, एक इंडोर स्टेडियम छोटा मोटा 10x10 का या 10x20 का इंडोर स्टेडियम तक नहीं, एक टूटा फूटा शेड था हमारे पास, जब बर्फ़ पड़ती थी तो पानी अंदर आ जाता था हमारे, तो हम कॉर्नर्स में जाके बच्चों को मैं प्रैक्टिस कराता था, क्योंकि वो पैशन था। हीटिंग अरेंजमेंट नहीं था बच्चों को, ठंड में अक्सर हमारे नेशनल्स जो भी होते किसी भी गेम के, वो दिसंबर के महीने में होते हैं या जनवरी फरवरी ऐसे ही, उस वक्त वहाँ पर इतनी ठंड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़ भी होती है। अपने स्टेट को क्रॉस करने के लिए हमें जो रास्ता यूज़ करना पड़ता है कश्मीर से लेकर जम्मू तक, उस रास्ते में एक्सटेंशनल रोड है, वो ऑलमोस्ट डर जाता है कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को। जब भी बच्चा सिलेक्ट होता था नेशनल्स के लिए, पेरेंट पहले यही डिस्कस करता था कि इनको कहाँ से जाना है, क्योंकि हम एफर्ट नहीं कर पाते थे कि हम बाई एयर आए बच्चों को लेके, बाई रोड ही लेके आना पड़ता था। या तो इस डर की वजह से पेरेंट्स बच्चों को नहीं छोड़ पाते थे मुझे, या कोई ना कोई बर्फ पड़ के रास्ता बंद हो जाता था, तो हमारी कनेक्टिविटी जो होती थी स्टेट से बाहर आने के लिए वही मसला ख़त्म होता था। कोशिश की कि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो मेरे उस इलाके में जहाँ पर मेरे जितने और मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो भी इस लेवल तक आए कि उनको इस चीज़ का एहसास हो कि ज़िंदगी में खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, या अपने इस देश का, अपनी स्टेट का नाम आगे बढ़ेगा, तो वही एक रियल कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेहनत की हमने ये इसी पे कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो, लेकिन जिस चीज़ से सोसाइटी को नुकसान ना हो, कोई नुकसान ना हो अपनी सोसाइटी, जिस चीज़ से अच्छा हो, अगर हम उसमें दिल से कॉन्सनट्रेट करेंगे और पूरी नियत से, सिंसियरिटी से हम उस पर काम करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल कि हम उसमें अचीव नहीं होंगे, एक इम्पॉसिबल है कि हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैसे ही मैंने किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तजम्मुल इस्लाम के बाद एट ए टाइम 1200 लड़कियों ने फिर एडमिशन ले लिया मेरी एकेडमी में, जिस एकेडमी में स्टार्ट हुआ था 5 बच्चों से। आज उस एकेडमी में हमारे पास रोल है 5800, परसों ही क्रॉस हो गया उस एकेडमी में। और जहाँ पर भी लड़कियों को स्पोर्ट्स के साइड से बिल्कुल दूर ही रखा जाता है, आज मार्शल आर्ट्स के लिए हर एक जगह पे हमारे यूनिट्स खुल गए पूरे कश्मीर में। स्टार्ट किया था बांडीपुर से, लेकिन आज हर एक कश्मीर में हमारे पास उसके यूनिट्स हैं, और लोग आ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं अच्छे अच्छे लोग पूरे देश से कि हमारी तरफ से इस एकेडमी के लिए, क्या आप जैसा आप करोगे हम आपके साथ हैं। लेकिन शुरुआत की थी 2-3 बच्चों के साथ 2003 में, 2016 में उसका फल मिला, लेकिन मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी मेहनत यही है कि इंसान को ये चीज़ें तो होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, आपके पास फैमिली सपोर्ट है नहीं, आपके पास वो सपोर्ट नहीं। सबसे बड़ा सपोर्ट है लाइफ थ्रेट, जो वहाँ पर हमें होता था, क्योंकि उस वक़्त सबको पता होगा कि कश्मीर के हालात कैसे होते हैं, सब लोग किसी और मसले में जुड़े थे, और मुझे बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती थी और उनको इंडिया रिप्रेजेंट कराने के लिए, जो चीज़ वहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते थे वो बात, उस चीज़ से वो डर इंसान में था, वही सबसे बड़ा पैशन था मेरे अंदर कि कुछ ना कुछ हो इंशाल्लाह। आज बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हैं मेरे साथ, अच्छे लोग, और जो इस एकेडमी को बोलते हैं कि भाई आ जाओ, अब इस एकेडमी में अपने बच्चों को हम ट्रेन कराएंगे। एक स्पोर्ट से स्टार्ट किया, 18 स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग मिली जाती है वहाँ पर, और अपने लोगों के साथ जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनको जोड़ा, एज इंस्ट्रक्टर्स वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। इसीलिए कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है जिसने स्पोर्ट्स में डिग्री ली है, उसको उस एकेडमी में मैंने छोटा मोटा एक जॉब दे दिया, 2-3 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है, 1 घंटा प्रैक्टिस कराता है बच्चे को,
उसका पॉकेट मनी भी चल जाता है और बच्चा एक अच्छे ट्रैक पे भी रह जाता है बुरे कामों से, जितना आजकल आपको पता होना चाहिए कि नशा है, बाकी गंदे आदत हैं ऐसे जो बच्चों को डिवेट करते हैं अच्छे काम से। बट हमने एक यूनिटी बना दिया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अब हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। 2016 के बाद इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन के बाद एशियन चैम्पियन भी हमारे पास आ गया, हाशिम मंसूर, जिसने रिसेंटली लंका श्रीलंका को हरा के देश के लिए मेडल दिया। उसके बाद फिर एक बच्चा, अभी तक 11 और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो उसी एकेडमी से हैं और जो उसी कश्मीर से हैं सारे। मैंने प्रूव कर दिया कि हर एक टेररिस्ट नहीं हो सकता, आप लोग ऐसे मत सोचो, हर एक इंसान की पॉलिटिकल सोच नहीं होगी कि वो कोई नेता बनना चाहता है, ऐसा कुछ है। उसे अपना काम है, वो अपने टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। तो वो प्रूव हो गया। अब इतने बच्चे हैं जो अब बाकी जो हमारे स्टेट के बच्चे हैं वो हमारे बच्चों के साथ अब डाइनिंग टेबल भी शेयर करते हैं, हमारे बच्चों के साथ सेल्फी लेना पसंद करते हैं, वो रूम शेयर करना चाहते हैं। तब मैंने देखा था वो चीज़, बट मैंने मेहनत की कि नहीं, इस चीज़ को तो मैं कैंसिल करके रहूँगा इंशाल्लाह। वो अल्लाह के फजल कर्म से हो गया और आज पूरे देश में अगर अच्छे अच्छे मेडलिस्ट और अच्छा अच्छा रिकॉर्ड आ रहा है तो हमारे इस मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स में, तो वो हमारे ही इस इलाके से आ रहा है और इसी बांडीपोरा और उसी एकेडमी से आ रहा है। हम कोशिश करेंगे और इससे बेटर करने की। बस यही है कि एक इंसान को आप लोग एक ही साइड से मत देखो, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है पूरे अपने देश से कि हर एक इंसान गलत नहीं हो सकता, हर एक इंसान की सोच गलत नहीं हो सकती। कोई अच्छा भी सोच सकता है, अपने देश के लिए अच्छा भी कर सकता है, अच्छा देना भी चाहता है। थैंक यू।